हम बहुत अच्छी बात कर रहे थे। आपने कहा था कि हम जात के नाम पर आ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, हम धर्म के नाम पर एक साथ हो जाते हैं, लेकिन हम महंगाई के नाम पर एक साथ क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा ये मानना है कि दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म हैं, या तो अमीरी का धर्म है या गरीबी का धर्म है। जैसे आपने बताया कि इस देश के अंदर तकरीबन 70-75% लोग, आंकड़े कुछ और बताते हैं लेकिन आपकी जुबानी आपने कहा कि 75% लोग हैं जो गरीबी के धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो महंगाई के नाम पर हमें क्यों नहीं होते? देखिए, महंगाई जो है कहीं ना कहीं जब आप संघर्ष करेंगे, ये पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ आपका संघर्ष होगा, और जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, चाहे उनके दल अलग हो सकते, नेताओं की शक्ल अलग हो सकती, झंडा का रंग अलग हो सकता है, लेकिन जो यथास्थिति के पक्ष में है, अमीरी और अमीरों की बचाव की, कॉर्पोरेट्स की बचाव की बात सोचते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, तो वो कभी नहीं चाहेंगे ना। तो उनकी तो राजनीतिक जो रोटियां वो सेक रहे हैं, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। अगर जनता एक हो गया, अब ब्रिटिश जमाने के खिलाफ जब लड़े, ब्रिटिश ने भी कोई कम प्रयास किया हमारे देश को बांटने की? बात दिया, हमारे देश की जनता को बांट दिया, लेकिन फिर भी एक सपना था, एक ख्वाहिश थी, लोग एक हो गए। तो आज भी अगर फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात अगर हम सोचें, तो बगैर उस प्रकाश का, संकल्प का नहीं हो सकता। और हम तो कहते हैं कि है गुंजाइश इसके लिए, उसके लिए। मान लीजिए अगर आपकी पार्टी सरकार बनाती है, तो आपके पास क्या सूत्र हैं इस महंगाई रूपी भीषण परिस्थिति से निपटने के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात यह है कि हिंदुस्तान की अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है, उस मार्केट को अगर आपको व्यापक करना है, लोगों की जेब में पैसा होगा। जब 77% लोग, जो सरकारी आंकड़े हैं, केवल 20 रुपया दैनिक खर्च करने की उनकी ताकत है, तो आप अपनी मार्केट को कैसे फैलाएंगे? और अगर आप अपनी मार्केट को नहीं फैलाएंगे, आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, आपके जो भी उत्पादन आप करना चाहते हैं, खरीदने वाला कौन होगा? तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी आपके पास पूंजी और साधन है, आपको अधिकतर गरीबों की जो खर्च की जो क्रय शक्ति है, उसको बढ़ाने का पहला आपका काम होना पड़ेगा। आपको खर्च करना है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ताकि रोजगार बने, आपको अपने पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है ताकि और नौकरियों की बने, और प्राइवेट सेक्टर को भी। ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को आप बिल्कुल एलिमिनेट कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी उसके कॉर्पोरेशन के साथ ही आप काफी दिनों तक आपको चलना पड़ेगा, लेकिन सरकार का जो रोल होगा इन चीजों का। आज क्या उल्टा हो रहा है, आप गरीबों की क्रय शक्ति की बात नहीं सोच रहे हैं जो जेब खाली कर रहे हैं, उनकी नौजवानों की नौकरियों की बात नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, विदेशी पूंजी आएगा, विदेशी पूंजी के आधार पर हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा, अमीरों का और खर्च हम चाहते हैं, लग्जरी गुड्स का खर्च हो, सोना की इंपोर्ट ड्यूटी को हटाकर सोना की जो हालत आज बनाई है सरकार के कारण, क्यों इंपोर्ट ड्यूटी हटाया, क्यों सोना को ऐसे सस्ता किया, लोग सब खरीदने लगे सोना और सोना का दाम इतना बढ़ गया, और वो भी एक कारण था। तो आप ऊपर देखकर डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जमीन पर खड़े होकर हिंदुस्तान की जनता की क्रय शक्ति बढ़े, उसके लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है। इस महंगाई ने आज आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। इस महंगाई की वजह से जो आम आदमी के हक हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और डेली यूज की जरूरतों की, दूध, चावल, दाल, आटा, हर चीज महंगी होती जा रही है, इससे आम आदमी का जीवन व्यतीत करना बहुत ज्यादा दुर्लभ हो गया है। 9 साल पहले जब मनमोहन सिंह यहाँ पे आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे लगा कि जॉब्स आएंगी, महंगाई कम होगी, सब कुछ होगा, और अब 9 साल बीत गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले नहीं पा रही,
और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, उल्टा जा रही है वापस यहाँ से, इंडिया से, और रुपी गिर ही रहा है, आपको सबको मालूम ही है। तो डे बाय डे हर चीज़ महंगी हो रही है। हम मिडिल क्लास बंदे हैं, अगर हमारी ऐसी हालत है तो जो बिल्कुल लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनका क्या होगा, वी कांट थिंक। एक राज्य में आपकी सरकार है, क्या महंगाई पे आपने वहाँ पे नियंत्रण किया हुआ? बहुत अधिकतर हम लोगों ने, तीन प्रदेशों में अभी तक हमारी सरकारें चल रही थी, अब तो एक है। अभी हम उम्मीद करते कि आने वाले दिनों में जनता के साथ जो अभी हम लोगों के प्रयास से हो रही है वो रिश्ता फिर जुड़ जाएगा। लेकिन आप देखिए, केरल के अंदर जो सबसे मजबूत प्रणाली रही है महंगाई को कम करने के लिए, लगातार हम लोगों ने कुछ ऐसे फेयर प्राइस, एक तो राशन दुकान है, वो राशन दुकान में सेंटर से ग्रेन जाता है, उसके हम लोगों ने ज्यादा सब्सिडी दे दी और दिया, जैसे तमिलनाडु में जयललिता सरकार कर रही है, वो अपना सब्सिडी देकर दे रही है, बहुत बड़ा सुरक्षा है। केरल में भी हमने ऐसे किया था। तो एक तो जो खाद्य है, जो अनाज है, उसका सब्सिडी है। लेकिन इससे अधिक हमने क्या किया, हमने हर जगह नवेली बोलकर दुकानें हम लोगों ने बनाई वहां केरल में, जिसपे हमने स्वयं फार्मर्स से, चाहे केरल में हो, और क्योंकि केरल डिफिसिट स्टेट है तो हमने आंध्र प्रदेश या अन्य प्रदेशों से कॉस्ट प्राइस पे खरीद के बगैर मुनाफा का हमने उसको इन दुकानों में बेचा, और कोई भी खरीद सकता है वो। और आप देखेंगे एक तिहाई कम, और कहीं कहीं 50% जो बाजार का दुकान महंगाई है उस पे कम उन दुकानों में मिला। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में जब सब खत्म हो गया, जब सबका जेब खाली हो गया, तब ये सरकार कहीं कहीं मोबाइल वैन लगाकर कुछ 10 किलो 20 किलो प्याज बेचेगी। तो उससे कि मतलब जितना और थोड़ा बहुत बचा पैसा है उसको भी अब हम उसको भी हम निकाल लें। तो तरीके हैं करने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ, हमने किया भी है। अभी चिपुरा में भी इस प्रकार, जहाँ सरकार चल रही फेयर प्राइस दुकानों का, सस्ते सब्सिडी नहीं, हमने कॉस्ट प्राइस में दुकानों को चलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी ये भी चीज निकल के आती है कि सरकार महंगाई को छिपाने के लिए जो थोक मूल्य होता है उसको बाजार में प्रदर्शित कर देती है, लेकिन ग्राहक का जो है वो लाला की दुकान से संबंध होता है, जो महंगाई की वास्तविक स्थिति को कहीं ना कहीं बताते हैं। तो ये चीज हम छिपा तो सकते हैं थोक मूल्य को, लेकिन महंगाई को हम मिटा नहीं सकते हैं। तो क्या इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए थोड़ी सी? अभी जो सरकार करती है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो थोक का है, और खुदरा का प्राइस इंडेक्स है जो रिटेल का है। लेकिन अधिकतर जब पूरे डिस्कस करते हैं ना कि कैसे हम लोगों ने महंगाई को रोक लिया, तो हमेशा वो थोक वाले ही बात। और फिर भी आप देखिए, थोक में भी ये सरकार एकदम असफल रही है। और अगर आप केवल फूड इन्फ्लेशन को देखेंगे तो 10% से नीचे फूड इन्फ्लेशन शायद पिछले 5 साल में 1 या 2 महीने आया होगा, वरना हर साल 10% से ऊपर ही है। तो ये, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ सकारात्मक दृष्टि से, कि आप कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट प्राइस पे किसानों को सही दाम देकर, अगर आप विदाउट प्रॉफिट, जैसे नैफेड है, देखिए सरकारी का एक नेटवर्क है नैफेड, अभी नैफेड को एकदम कमजोर कर लिया सरकार ने एकदम, जबकि नैफेड को मजबूत करके आप देश भर में वो फेयर प्राइस शॉप्स कर सकते हैं। आप किसान को उचित मूल्य देकर खरीद के आप कॉस्ट प्राइस पे वो बेचिए, 1% 2% जो आपको लेना आप बेचिए, वो निश्चित रूप पर रिटेल प्राइस पर उसका असर पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है। अगर आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं, एक दुकान में आपको कम दाम में मिल रहा है, दूसरे दुकान में ज्यादा दाम में मिल रहा है, आप कम दुकान वालों के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी, वही स्थिति है कि शहर में यदि देखें तो जो चीज 100 रुपए की हमें मिल जाती है क्योंकि हमारे पास और दूसरे विकल्प मौजूद हैं, गांव में वही चीज 107 रुपए की मिलेगी क्योंकि हमारे पास विकल्प मौजूद नहीं है। लेकिन आप देखिए, जो अब देखिए क्या विचित्र समझ है सरकार की, नाफेड को खत्म कर लिया,
आपके अपने नेटवर्क को खत्म कर लिया, लेकिन अमेरिका कंपनी वॉलमार्ट को आप बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत सस्ता में मिलेगा, मतलब जो आप खुद नहीं कर पाए अभी अमेरिका की कंपनी पर भरोसा करके आप कह रहे हैं भैया आप आके हमारे देश की जनता को राहत दिलाकर कम दाम में बेच दो, बैंगन आलू प्याज भिंडी आप ही बेचो, हम लोग तो कम दाम में बेचने में असफल हैं। ये बड़ी एक अच्छी बात समझ में आती है कि पूरी दुनिया में जब भी प्यादे बगावत करते हैं तो तख्ते पलट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्याज बगावत करती है तो तख्ते पलट देते हैं। एक बार प्याज उठी थी तो उसने दिल्ली के तख्ते को पलट दिया था, अब वही स्थिति फिर निर्मित है, तो क्या ऐसा होगा? तख्त पलटना ही चाहिए, लेकिन तख्त पलटने के बाद एक सही विकल्प भी हमें चाहिए। ऐसा विकल्प नहीं चाहिए जो आज अपने को विकल्प छाती पीट कर बोल रहे हैं हम ही विकल्प है, वो विकल्प नहीं, वो हिंदुस्तान की नाश का रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए दोनों को छोड़कर एक नीति आधारित विकल्प की खोज में और उसके प्रयास में आज हिंदुस्तान है। एक चीज और निकल के आती है बिंदा जी, कि जो टैक्सेशन है कि खाने पीने पर, आने जाने पर, रहने पर, उठने बैठने पर, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया है, तो हमारी ये जो कर नीति है कहीं ये तो महंगाई का कारण नहीं है? देखिए कर नीति है महंगाई के कारण, जब आप कर को उन चीज़ों पे लगाएंगे जैसे पेट्रोल और डीजल अपने खजाना को भरने के लिए। जो क्रूड ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं विदेश से, कच्चा तेल, और फिर यहाँ उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोग यहाँ पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करें, उसका दाम और जो आज दाम पेट्रोल पंप में आपको देना पड़ता है उसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है? सरकार का कर, सरकार का टैक्स। क्यों सरकार कर और टैक्स लगा रही है पेट्रोल और डीजल पर? अपने घाटा को पूरा करने के लिए और हमारे जेब के घाटा को बढ़ाने के लिए। तो कुछ ऐसे आवश्यक चीज़ें हैं जहाँ सरकार कर लगाती है जो नहीं लगना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ प्रदेशों में भी ऐसे गलतियाँ हैं कि फूड आइटम्स पर भी, आवश्यक चीज़ों पर भी कर लगाते हैं, जो मैं समझती हूँ लग्जरी आइटम्स पर लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। क्योंकि एक होती है आवश्यकता और एक होती है आवश्यक आवश्यकता। आप एसयूवी खरीदेंगे और बैंक आपको कम इंटरेस्ट में लोन देगा और किसान के लिए लोन चाहते हैं आप उनके घर में गिरवी रख देंगे उनकी जमीन, ये नहीं होनी चाहिए जो हो रहा है। तो टैक्स आप लगाइए, लग्जरी आइटम्स पर लगाइए, जरूर लगना चाहिए हम चाहते हैं, लेकिन आवश्यक चीजों पर नहीं लगना चाहिए। बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए मेरी यह सलाह है कि आप जो देसी उत्पाद हैं उनकी तरफ हमें ज़्यादा खरीदना चाहिए उनको, और जो विदेशी हैं उनकी तरफ कम ध्यान देना चाहिए, जिससे जिससे जैसे कि डॉलर की कीमत भी इतनी ऊंची हो रही है और उससे वह भी कम होगी, और देसी चीज़ों का उत्पादन उपभोग करने से हमें खुद की जो मुद्रा है वो भी हमारी अच्छी होगी। एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए और महंगाई मिटाने के लिए हमें सारी चीज़ें उसके रियल प्राइस पे ही मिलनी चाहिए, लेकिन आजकल हमारी सारी चीज़ें जितनी प्रोडक्ट हैं, या तो सब्जियां हो या तो कॉस्मेटिक हो, सारे प्रोडक्ट हमें जस्ट डबल रेट में मिल रहे हैं। वो करने के लिए हमें सारे रेट फिक्स करने पड़ेंगे पहले। आपसे बात करके बहुत सुख मिला, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक चीज कही जाती है कि आप मिलावट के इस दौर में 24 करात हैं। तो बिंदा जी आप मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, आज इस टेलीविजन चैनलों की बिल्कुल मतलब जो देखने वाले झगड़े वो करवाते हैं, आप उसके एक बहुत सुंदर विकल्प है, मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र हमारा जो महंगाई की मार से जूझ रहा है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम असुरक्षित हो चुके हैं, हमारा समाज असुरक्षित होता है, और जब व्यक्ति असुरक्षित होता है तो आप सुरक्षित राष्ट्र की उम्मीद उससे नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ये शुभकामनाएं हैं,
आपको भी और हमारी ये आपसे आशाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, चूंकि आप लोग सर्वाधिक जिम्मेदार लोग होते हैं, लोकतंत्र में हम अपने से जो अधिक जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसे चुनकर हम अपना प्रतिनिधि बनाकर बिठा देते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं भी हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत सतर्कता के साथ, सजगता के साथ, बहुत मजबूती के साथ निभाते रहें, क्योंकि हमारा ये मानना है, देख तुम्हें जो हंस देता है रब उसको बरकत देता है, घर बैठो तो देगा फिक्रें, चल दो तो फितरत देता है। इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले हफ्ते फिर एक नए कद्दावर नेता से हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले ताली बजा रहे थे प्रधानमंत्री के बोलने पे। एक्चुअली ताली हम लोगों को बजाना चाहिए थे कि खुदा खुदा करके हाउस में तो आए, उन्होंने बोले तो कुछ कहा तो उन्होंने कि भाई अच्छा कहा, बुरा कहा, पूरा कहा, अधूरा कहा, पर कहा तो यही तो हमारी शिकायत थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि और शॉक्स की तैयारी करिए, और अगर रुपए का दाम डॉलर के साथ गिरता गया है तो आपका ऑयल बिल और बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, महंगाई और बढ़ेगी, आप कमर कसने के लिए तैयार हो जाइए, ये तो होने वाला है। सही कदम उठाकर हम महंगाई पर काबू पा सकते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये बताने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं zeenews.com पर और dnaindia.com पर। महंगाई के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। कल होगा हमारा खास शो एक नारी ऐसी भी। तब तक आप भी महंगाई से मुकाबला करने के उपाय सोचिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।